ब्रो पल्सर 220 की प्राइस नेट में 1,09,000 रुपये दिखाती है, बट डीलर हमें जो बजाज का डीलर है वो हमसे 1,30,000 रुपये बताता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो कहाँ से आता है? ऐसे क्वेश्चन गाइस बहुत सारे आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। लगभग मैंने 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि भाई इस बाइक की प्राइस नेट में इतनी दिख रही है बट जो डीलर है वो इतना बता रहा है, तो ये जो डिफरेंस है कहाँ से आता है? गाइस यहाँ पे अगर छोटा सा डिफरेंस है तो वो तो थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो हमारी ऑन रोड प्राइस होती है वो स्टेट टू स्टेट या कभी कभी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वेरी करती है। बट यहाँ पे अगर 10-15% या 20% का डिफरेंस है तो चांसेस हैं कि यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस आपने देखी होगी नेट पे और जो डीलर बता रहा होगा वो होगी ऑन रोड प्राइस। तो यहाँ पे देखो एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस क्या होती है, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा और मुझे लगता है कि 90% लोगों को तो पता होगा कि एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस होती क्या है, बट जिनको नहीं पता तो आज इस वीडियो के थ्रू उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस क्या होती है, ऑन रोड प्राइस क्या होती है, कितना डिफरेंस होता है ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस में, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी अभी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस की। तो देखो गाइस यहां पे जो एक्स शोरूम प्राइस होती है किसी भी बाइक या कार की, यहां पे वो प्राइस होती है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को पे करता है वो बाइक के लिए। मतलब जैसे कि अगर डीलर वो बाइक खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर को तो वो इतनी प्राइस दे रहा है, वो होती है एक्स शोरूम प्राइस। और गाइस यहां पे 2-3 टैक्सेस भी इंक्लूड करके रखता है वो डीलर एक्स शोरूम प्राइस में, जैसे कि कभी जो स्टेट टैक्स लगते हैं वो हो गया और एक्साइज ड्यूटी हो गई और किसी किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में ऑप्टराइट टैक्सेस भी लगते हैं तो वो भी इंक्लूड रहता है। तो गाइस ये तो हुई एक्स शोरूम प्राइस, ये मतलब इस प्राइस में वो बाइक डीलर को पड़ी है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे जब आप बाइक खरीदने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको जो बाइक के साथ लेनी पड़ती है रोड में राइड करने के लिए। जैसे आप अगर रोड में चलाते हो तो रोड का एक टैक्स भी देना पड़ता है, और जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसकी भी फीस होती है, कि जैसे आपने बाइक खरीदी तो वो प्रॉपर रजिस्टर होनी चाहिए RTO में, तो उसका भी एक चार्ज होता है, तो वो चार्ज हो गया, और एक चार्ज होता है इंश्योरेंस का। तो ये सब जब मिलाते हैं हम तो एक ऑन रोड प्राइस निकल के आती है जो कि आपको पे करना होता है। अगर तरीके से बात करें तो ऑन रोड प्राइस में एक्स शोरूम प्राइस होती है, इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, RTO का चार्जेस होता है और रोड टैक्स होता है। ये तीन चीजें होती हैं मेन। और कहीं कहीं शोरूम वाले तो आपको थोड़ा सा एक्सेसरीज का भी ऐड कर देते हैं जो कि आप हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स हो गया, RTO आप हटा नहीं सकते, ये मतलब कंपलसरी है, ये अगर आप बाइक खरीद रहे हो तो ये लेना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो मतलब यही होता है डिफरेंस। और लगभग यहाँ पे अगर एक आइडियल डिफरेंस की बात करूँ कि कितना डिफरेंस होगा एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में, तो देखो अगर मेरे हिसाब से गाइस बात करूँ तो लगभग 10-20% के बीच में ये डिफरेंस होता है। मतलब अगर किसी बाइक की प्राइस है 1,09,000 रुपये एक्स शोरूम, तो उसकी प्राइस 1,30,000 हो सकती है या 1,25,000 भी हो सकती है ऑन रोड आते आते। ऑन रोड प्राइस है ना, कभी कभी ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करती है। तो आप यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब ये लगा सकते हो कि 10% से लेकर के 20% के बीच में ज़्यादा होती है ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइस से। तो गाइस ऑन रोड प्राइस में आपको तो पहला तो RTO का नंबर मिलता है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मतलब अगर आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है तो उसकी सारी डिटेल RTO के पास होती है। सेकंड जो भी लाइफ टाइम का रोड टैक्स होता है बाइक में आप वो पे करते हो, जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं उनमें तो मंथली बेसिस पे होता है तो उसको अपन कवर नहीं कर रहे, उसको साइड में करते हैं। नेक्स्ट आपका कवर होता है इंश्योरेंस, जैसे कि अगर 3 साल या 5 साल का, वो डिपेंड करता है कि आपकी बाइक है या कार है, तो वो कवर होता है। उसके बाद आप उसको 3 साल या 5 साल में रिन्यू कराते हो। तो इंश्योरेंस तो मतलब कंपलसरी है, RTO भी कंपलसरी है, टैक्स वगैरह जो भी लगते हैं वो कंपलसरी है। इंश्योरेंस तो मेरे हिसाब से कंपलसरी होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस कवर होता है आपने देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह में, थर्ड पार्टी को भी कवर होता है, आपका भी कवर होता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कंपलसरी है। तो अभी आप ये हिसाब लगा लो कि अगर आप किसी भी बाइक की प्राइस नेट पे देख रहे हो एक्स शोरूम प्राइस, तो उसमें आप 20% या मतलब मैक्सिमम 20% और मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट लेके चलो कि इतने में आपको बाइक डीलर से पड़ने वाली है। तो ये है डिफरेंस। बाकी आप बताओ वीडियो कैसी लगी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा कि बतानी चाहिए थी, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस के लेकर के। और बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि ऐसी छोटी छोटी सी क्विक वीडियो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। और बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।